वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय खुराना और आप देख रहे हैं पीयर एडवाइज़र्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप क्या लिखेंगे इंटेंशन टू रिज़ाइड इन ओंटारियो। जैसे कि ये एक ऑप्शन रहेगा ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम में, इंटेंशन टू रिज़ाइड इन ओंटारियो। आपको यहाँ पे 1000 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, उसमें ऊपर लिखा होगा एस्टेब्लिशमेंट टाइज आपके कौन कौन से हैं, आप बता दीजिए। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कैन यू गेट नॉमिनेशन इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइज, ये बात मैं क्लियर करूँगा। और मैं ये क्लियर करूँगा कि उस लेटर में, एक लेटर डालना होता है, ऑप्शनल होता है, उस लेटर में आप क्या लिख सकते हो। तो पहले तो मैं बात करूँ, लिस्ट ऑल ऑफ योर एस्टेब्लिश्ड टाइज, मैक्सिमम 1000 करेक्टर्स। अगर तो आपका कोई रिलेटिव है तो वेल एंड गुड, आप उसका कोई भी रेफरेंस, कोई पीआर कार्ड है तो वो नंबर डाल सकते हो, लिख मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपना, जैसे यही मैंने ऐसे स्टार्ट किया है, आई एम इंटरेस्टेड टू सेटल डाउन इन कैनेडा थ्रू दिस लेटर, ये मैंने सब लिखा है और अपना काम लिखा है। जैसे कोई भी आपका NOC है वो इन डिमांड है ओंटारियो में, आपको उसके बारे में लिख सकते हो 1000 वर्ड्स में कि ये जो मेरा काम है वो इन डिमांड में है, वो मेरे को हेल्प करेगा ओंटारियो में सेटल डाउन होने के लिए। इसके नीचे मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है। तो इसके बाद मैं बात करूँगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में, एक फील्ड रहेगा, उस फील्ड में आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अपलोड करना रहता है लेटर ऑफ इंटेंट। तो इस लेटर में आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा था ऊपर सब्जेक्ट लिख के डियर सर मैडम, नीचे एक स्टेटमेंट लाइन डाल सकते हो, उसके बाद आप उनका थैंकफुल ग्रेटफुल हो सकते हो कि आपको NOI इशू की है। उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हो कि जो आप काम करते हो वो इन डिमांड में है और मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी और अच्छी सैलरी मिल जाएगी, आपको उसको एलेबोरेट करके लिख सकते हो। जैसा आपने वहाँ पे 1000 वर्ड्स में लिखा था वैसे ही आप लेटर में लिख सकते हो। और इसके अलावा आप 2-3 चीज़ें और गूगल कर सकते हो अपने NOC के बारे में और वो इसमें ऐड कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा था जो मेरे अंकल थे उनका लिख रखा है मैंने। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा था मेरा फ्रेंड भी है उसके बारे में लिख रखा है। अगर आपका तो कोई है तो आप उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए और इस लेटर में आगे अटैच कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको एलेबोरेट कर दे। सेकंड पॉइंट में कोई अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड की डिटेल लिख दीजिए, अगर फ्रेंड भी नहीं है तो इसी फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा एलेबोरेट करके इसके 3-4 पॉइंट बना के लेटर लिख दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नॉमिनेशन नहीं मिल सकती अगर आपके टाइज नहीं है। मैंने बहुत देखे हुए हैं अपने फ्रेंड्स जिनको नॉमिनेशन इशू हुई है विदाउट एनी टाइज। सो this is the end of video. I hope you like it. If you have any query, you can comment down below. Thank you very much.